हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लिक फंक्शन एंड क्लिक इवेंट के बारे में। बेसिकली पिछले वीडियो में हमने कवर किया था क्रिएट कंपोनेंट इनसाइड मॉड्यूल, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही सीखेंगे कि क्लिक फंक्शन किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से क्लिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को हम बाइंड करते हैं अपने HTML में। तो चलो सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर लो, जैसे कि हमने ओपन कर रखा है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ दो फाइलें ओपन कर रखी है, पहला है ऐप कंपोनेंट डॉट HTML और दूसरा है ऐप कंपोनेंट डॉट TS। इस दोनों कंपोनेंट की फाइल में अभी कुछ भी नहीं लिख रखा, यहाँ पे सिर्फ HTML में लिखा हूँ कॉल फंक्शन एंड क्लिक इवेंट इन एंगुलर 14 ट्यूटोरियल। तो चलो इसको अभी आउटपुट दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना लिखा है कॉल फंक्शन एंड क्लिक इवेंट इन एंगुलर 14 एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पे कोई बूट स्टेप हमने नहीं इम्प्लीमेंट किया, लेकिन यहाँ पर सिंपली हम बटन कॉल करेंगे और बटन की प्रॉपर्टी को बाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बटन टैग बना लेता हूँ मैं, सिंपली मैं लिखता हूँ बटन और यहाँ पे हमारा बटन टैग लग चुका है। अब इस बटन के अंदर जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। सपोज मैं देता हूँ गेट यूट्यूब चैनल, तो मैंने यहाँ पे दिया गेट यूट्यूब चैनल, तो बटन हमारा बन गया। बटन के अंदर गेट यूट्यूब चैनल नाम लिखा रहेगा, ठीक है। और हाँ, एंगुलर के प्रोजेक्ट को सेव करने कोई ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। देखो यहाँ पे एक बटन आ गया, लिखा है गेट यूट्यूब चैनल। अभी यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि अभी इसकी कोई भी प्रॉपर्टी मैंने दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम आज के वीडियो में सीखेंगे कि क्लिक फंक्शन कैसे काम करता है। तो बेसिकली यहाँ एक इवेंट बनाते हैं जो कि क्लिक इवेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक इवेंट होता है क्लिक, तो हम सिंपली टाइप करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर हमने क्लिक लिख दिया। अब यहाँ पे मेथड का नाम डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो फंक्शन का नाम देता हूँ गेट YT चैनल और पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। पैरेंथेसिस बेसिकली एक मेथड को, एक फंक्शन को डिनोट करता है। अब देखो एंगुलर 13 तक इसमें कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया था जिसमें कि आपको कोड टाइम पे एरर बताए, लेकिन एंगुलर 14 का ये नया फीचर है कि जब आप कोड करते रहोगे तो HTML में भी एरर बताएगा, ठीक है। तो सपोज जैसे ये हमारा मेथड है, इसका कहने का मतलब है कि ये मेथड डिफाइन नहीं हो। देखो प्रॉपर्टी गेट यूट्यूब चैनल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऐप कंपोनेंट, इसका मतलब है कि अभी ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो इसको एग्जिस्ट कराने के लिए बेसिकली हम इसको यहाँ सिंपली कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने ऐप कंपोनेंट डॉट TS पे आते हैं और यहाँ इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए सिंपली यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किए। अब देखो यहाँ पे हमारा मेथड का नाम आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं इस मेथड के अंदर। तो प्रॉपर्टी लिखेंगे हम अलर्ट के साथ, तो बेसिकली एक अलर्ट मैसेज जनरेट कराएंगे। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं तो आप लोग को पता होगा अलर्ट क्या काम करता है। अलर्ट एक सिंपल सा मैसेज आपको डिफाइन दिखाता है और उसके बाद ओके बटन आता है, ओके पे क्लिक कर दोगे तो वो मैसेज हट जाता है। तो यहाँ पे देता हूँ मैं टेस्टी कोडीज, ठीक है, सिंपल यूट्यूब चैनल का नेम दे रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूँ। और सेव करके अब इसका आउटपुट देखता हूँ ब्राउज़र पे क्या आता है। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा इसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए टेस्टी कोडीज, तो मैं जैसे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आ रहा है लोकल होस्ट 4200 सेज टेस्टी कोडीज और यहाँ ओके का बटन है। इस ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हम कॉल फंक्शन कॉल करते हैं और क्लिक इवेंट फायर करते हैं। चलो अब एक दूसरा तरीका बताता हूँ। सपोज यहाँ पर हमने टेस्टी कोडीज डिफाइन किया, अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं YT नेम से। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया YT नेम और इसको इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ आशीष फ्रॉम टेस्टी कोडीज। और जैसे यहाँ पर हमने अलर्ट पे लिखा है टेस्टी कोडीज हार्ड कोडेड, इसको अब हटा के मैं डायनेमिकली कर दे रहा हूँ YT नेम। तो सिंपली इसको कॉपी किया, यहाँ दिस मुझे यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो दिस डॉट YT नेम लिखा और अब इसको सेव करता हूँ। तो अब इसे बताना चाहिए आशीष फ्रॉम टेस्टी कोडीज। तो ये दूसरा तरीका है प्रॉपर्टी बाइंड करने का, डायनेमिक बाइंड कर सकते हैं। देखो आशीष फ्रॉम टेस्टी कोडीज आ रहा है। एंड एक और तरीका मैं बताता हूँ, उसमें थोड़ा क्लास नेम वगैरह देना पड़ता है। सपोज जैसे यहाँ पर आर्गुमेंट आप पास करके यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। सपोज मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ नेम और यहाँ भी देता हूँ नेम,
ठीक है, ये तो आर्गुमेंट हो गया। अब इस नेम को देखो हम मुझे डिफाइन करना है। इसमें देखो अभी माउस ले जाओगे तो बताएगा पैरामीटर नेम इम्प्लिसिटी हैज़ एन एनी टाइप। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं इसको चलो डिफाइन कर देता हूँ, एनी टाइप का है। अब इस नेम को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एज ए आर्गूमेंट अपने एचटीएमएल में। देखो एचटीएमएल पे एरर आने लगा क्योंकि वहाँ पे मैंने आर्गूमेंट दिया था। अब ये कह रहा होगा एक्सपेक्टेड वन आर्गूमेंट बट यू गॉट जीरो, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक आर्गूमेंट होना चाहिए और पर अभी तक हमने जीरो आर्गूमेंट दिया है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर वो मैसेज पास कराते हैं, वेलकम टू टेस्टी कोडीज। ठीक है, अब ये एज ए आर्गूमेंट वर्क कर रहा है, ये मैसेज ही पूरा का पूरा हमारा आर्गुमेंट के तरीके से वर्क कर रहा है, ये मैसेज ही पूरा हमारा बाइंड होगा। ठीक है, इसका आउटपुट देख लेते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दिखा रहा है वेलकम टू टेस्टी कोडीज। तो यहाँ पे हमने तीन तरीके से प्रॉपर्टी को बाइंड कराना सिखाया है, कॉल फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है और क्लिक इवेंट किस तरीके से वर्क करता है, ये दोनों तरीका हमें बता दिया। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे क्लिक है, यहाँ पे वाई टी चैनल है, अब इसी की जगह पर आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, ये एज अ आर्गुमेंट ही माना जाएगा। यहाँ पर आते हैं और आप चाहो तो यहाँ पर कुछ और भी टाइप कर सकते हो। सपोज़ अगर मुझे यहाँ पे पास करना है वाई टी नेम, और इस वाई टी नेम को ही मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। वाई टी नेम, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब हमारा ये नेम और ये नेम का कोई मतलब नहीं रहा, ये डायरेक्टली इसी से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका आउटपुट दिखा देते हैं आपको। जैसे मैं क्लिक किया, आशीष फ्रॉम टेस्टी कोडीज आने लगा, वेलकम टू टेस्टी कोडीज हट गया। अब हमारा जो मैंने आर्गूमेंट दिया है उस आर्गूमेंट का इससे कोई रिलेटेड नहीं, रिलेशन नहीं है। सपोज ये वाई टी नेम किससे इंटरेक्ट कर रहा है, हमारे इस वेरिएबल से इंटरेक्ट कर रहा है, ना कि इस आर्गुमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। इस आर्गुमेंट का कोई काम नहीं रहा भले मैंने यहाँ किया, बस अब ये नाम रिप्लेस कर रहा है इस नेम से, क्योंकि अलर्ट हम करा रहे हैं इस नाम नेम पे वाई टी नेम इनिशियलाइज होके, तब यहाँ पे आपको आशीष फ्रॉम टेस्टी कोडीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉल फंक्शन और क्लिक इवेंट यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम क्लिक इवेंट के थ्रू हम प्रॉपर्टी को बाइंड करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, एंगुलर बाइंडिंग प्रॉपर्टी बाइंडिंग कम्प्लीटली। ठीक है, तो इस पे हम डिटेल में वीडियो देखेंगे। तो ये पूरा हो चुका है, तो मैं इसको इस पूरे रो को मैं कलर कर दे रहा हूँ, इसके टेक्स्ट को यहाँ से मैंने इसको कलर कर दिया, तो ये डन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम सीखेंगे एंगुलर बाइंडिंग। सो तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग।